हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहिए। यहाँ बन रही है मेरी इवनिंग की तैयारी, हो रही है मेरी। बाहर ना बैंड बाजा बज रहा है, बारात है, मेरे मोहल्ले में शादी है। जहाँ मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है, मुझे बनाने हैं आलू मटर और मुझे बनानी है साथ में पनीर की भुर्जी बच्चों के लिए भी। अब हम डाल देंगे, ये मैंने लिए थे 4 टमाटर, 4 टमाटर लिए थे मैंने। तड़का चढ़ गया, शादी है फ्रेंड्स। और थोड़ी देर पकने देंगे, साइड में कर देते हैं। तो मुझे बना देते हैं, मुझे पनीर भी कभी कस करना है। तो मुझे आलू मटर खाने से बच्चों को खाना था पनीर कद्दूकस करके और जी पनीर की। तो मैंने बोला चलो बच्चों के लिए बना देते हैं। ये आधा किलो की करी, आधा किलो से ज़्यादा पनीर है। किराएदार है बाहर। आ गई मैं, यार तू किथे गई सी? मैंने पूछे तो बिना नानी को गई सी, मैंने आज के नहीं थे जाना। आंटी मैं नानी को चली गया, किधर गई सी? किथे चल जानी है? अपनी मर्जी ना आ जाती, अपनी मर्जी ना चल जाती है। आवा बाहर, मैं पता मैं कोल है नहीं। ले पनीर खा ले, पिज्जी खा लो। न्याणे कहते पनीर की भुर्जी बना, मैं आलू मटर बनाए है। मोनू कल्ला ही आ रहा है, पापा जैसा कर दिया है। जो पापा नहीं आ रहे बस, काम होना फिर, मतलब जरा थोड़ा जिन्हें भेज दो ना शायद। हाँ तो ऐसा संडे जाना हमें, कितने मोनू में फिर दोबारा जाना? हाँ उठे नहीं आना, संडे में अच्छी है मेरी।
वीडियो चलती पे साड़ी बंद करो मैं आ रहा हूं उधर से मैं तो सम्राट के लिए बाहर ब्याह दादा का ब्याह देख के आप ऊपर जाके सम्राट नहीं होने किसी की आलू डाल देते हैं आलू और मटर कटके डाल देते हैं जल्दी जल्दी में काम करना पड़ रहा है बच्चों की डिमांड ये देखिए मैंने पनीर भी कर लिया और ये कर लिया मैंने क्या कर लिया मैंने गाजर और थोड़े से मैंने मटर निकाल लिए हैं ये भी डाल दूंगी बस अब मुझे गूंदना है आटा आटा गूंदना है मुझे पनीर की भुर्जी तो जल्दी बन जाएगी ना फटाफट जगह खाली कर लेते हैं भुर्जी में लहसुन तो डालना नहीं है बस प्याज वगैरह डालना हरी मिर्च डालनी है मुझे तो लगता है भुर्जी में मैं कुछ भी ना डालूं पर बच्चों को पसंद नहीं आने ना फिर पंखा जी भोग लगाने के लिए हो जाते नहीं ठाकुर जी को भोग लग जाता है इसी में मैं प्याज काट लेती हूँ टमाटर वाली प्लेट में तो गैस लो पे थी और कैसे हैं आप सब आई होप ठीक होंगे सब लोग हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है बिल्कुल मतलब नॉर्मल ही है ज़्यादा नहीं है एक डाल लूँगी हरी मिर्च तो हरी मिर्च काटने वाला तो मेरे पास है मैं तो इसी से काटती हूँ हरी मिर्च ऐसे थोड़ा सा अदरक डाल लेते हैं बस मैंने सोचा लहसुन भी छीर ही लेती हूँ थोड़ा सा प्याज से तो हालत ख़राब हो तड़का लगाना होता ना मुझे खिड़की वगैरह खोलनी पड़ती है जब तक मेरा ये बनता है तब तक मैं बर्तन कर लेती हूँ
पानी पीने का भी टाइम नहीं है। ये मेरी ही बोतल है, इसको मैं ऐसे पी लेती हूँ। ना हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ये ऐसे ही टेस्टी लगता है। गोल्डन ब्राउन हो गया है। ऐसे एक मिर्च डालने की कम बोला था, करारा करारा बनायो। लाल मिर्च हल्दी मिर्च डाल देंगे, और दाल में आप इसमें ना शिमला मिर्च भी डाल सकते हो। बट मेरे बच्चे शिमला मिर्च बहुत कम खाते हैं, बहुत कम क्या खाते ही नहीं है। मैं उनको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, शुरू से ही ना उनको शिमला मिर्च पसंद नहीं है। तो हम डाल देंगे इसमें गाजर, थोड़ा सा पनीर भी चला ही गया है, कोई बात नहीं। ये एक कटोरी हमारे मटर है हरे और, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मुझे आलू मटर में भी डालना है। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, बच्चों ने कहा था मम्मा हमें पनीर खाना है, बट मैं पनीर नहीं खा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे खाने थी आलू मटर, तो मैंने इसी को मटर पनीर नहीं बनाया। तो मैंने बोले हमें पूजी बना के दो, फिर मैंने बोला चलो पूजी बना देते हैं बच्चों के लिए। आटा भी मैंने गूंद लिया था, बक्कर भी मांग लिए। कौन तनु तू है? खोला ना, तनु आया, तनु आया, खोल दे। जी मुझसे आया है तनु। इसमें मुझे ना थोड़ी सी पत्ता गोभी भी डालनी है, तो क्रंच आता है उसका। मौसम कितना का बाहर है, इसमें मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल दी है। मैंने वो काट के रखी थी बाहर गाड़ी के ऊपर पड़ी थी। आजकल भी जो भी काम होता ना सब सब्जी से होता है। पकी गई है थोड़ी बहुत, क्योंकि ताजे ताजे थे ना हमारे। हाथ से गंदे ना लाया करो बेटा, एकदम आके मारो। पता नहीं केड़ी केड़ी तीनों टच कर दिया तुझे। मैं तो फिर रोक टोक रखती हूँ, क्योंकि आदत रहती है कि हमारी जो बोली की चीज बनी कि नहीं बनी वो देखने आया था कि मम्मा ने बनाया कि नहीं बनाया। आप सब बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। इसको हम बनाएंगे मीडियम आंच पे। ना भूख लगी है, चावल अद्धी रात नो शर्म नहीं है तेनो, चावल चावल करता रहना तू है क्या बिहारी है यूपी का? वैसे पहाड़ के लोग भी खाते हैं चावल, बट असी तो पहाड़ी है नहीं ना। आलू नाल की बना, आलू मटर,
बंद गोभी मोगी पिनिया पिया विच चक के खाओ रम दे विच हैंड वॉश करके मुगली है नहीं की ले आई आंदा या मुगली है तू ही मकाई सी सारी जा चीज मुकदी लेके भी आया करो ना केड़ा पैसे नहीं हुंदे तोडे कोल मां दी जान खांदे है घर बाहर से आएंगे लेकिन मजाल है कुछ पैसे खर्चे जे मैं ही लेकर के रखूँ इनके लिए ये ना मेरा गला बड़ा डीप है डीप नहीं है मेरा सूट काफ़ी लूज है ये तो भी हम लोगों को तो रहता अभी पर्दे नहीं रखना हम लोगों को तो सब कुछ मटरी वाला डिब्बा खुला छोड़ गया यहाँ बन रही है चपातियाँ पनीर की भुर्जी मैंने निकाल दी है बच्चे भुर्जी के साथ ही खाएंगे ये मैंने निकाल दी बच्चों को मैंने दे दी है रोटी और ये मेरी बन रही है और टाइसन की बन रही है बच्चों ने खा ली है और बच्चों को मैंने पढ़ने बिठा दिया है ये पढ़ रहे हैं ये देखो इसको हमेशा ठंड लगी रहती है वहाँ इग्नोर करें कपड़े धोए थे उनके फोल्ड करने वाले हैं तनु भी यहाँ बैठा पढ़ रहा था पता नहीं कहाँ चला गया तो फिर ठीक है जब मैं रोटी खाऊंगी तब मैं मिलूंगी आपसे जी देखिए ये मैंने लगा ली है अपनी थाली टाइसन को भी दे दी है मैंने ये मैंने लिया थोड़े से आलू मटर मैं खाऊंगी आलू मटर थोड़ा सा मैंने लिया है ये पनीर की भुर्जी और मैंने ली है सिर्फ दो चपाती वैसे मैं तो मैं वैसे तो रात को मैं नहीं खाती बट आलू मटर बनाए थे अपने लिए मैंने दोपहर को खाना खाया नहीं था आज तो फिर मैं खा लेती हूँ तो पीछे से इग्नोर करें तनु खाना खा के नहाने जा रहा आजकल वो सर्दी में ना रात को ही नहा लेता है तो मैंने दूध भी गर्म कर लिया है बच्चों के लिए वो देखिए नहा करके आएगा तो दूध देंगे बच्चों को अनु शाम को नहा लिया था कॉलेज से जब आया था तब नहा लिया था तो फिर मैं खा लेती हूँ खाना अभी खाना खाते हुए नहीं दिखाऊंगी तो वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड लव यू बाय बाय मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी ब्लॉग के साथ लव यू